केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को एक बार फिर जोरदार झटका लगाए। दरअसल वो सरकारी बंगले का लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। बता दें कि जेडीयू के आरसीपी सिंह का पहले राज्यसभा से टिकट कटा और अब पटना के जिस बंगले में वो रहते थे वो भी उनके हाथ से चला गया है। वहीं अब आरसीपी सिंह का बंगला बिहार के मुख्य सचिव संजय कुमार को अलॉट किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद हैं और अगले महीने उनका कार्यकाल राज्यसभा में पूरा हो रहा है। वहीं जेडीयू ने उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ नजदीकियों के चलते उनके साथ ऐसा किया गया है। गौरतलब है कि आरसीपी सिंह को पहले राज्यसभा का टिकट नहीं मिला और अब उनसे सरकारी बंगला भी छीन लिया गया है। बता दें ये बंगला मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है। आरसीपी सिंह से सरकारी बंगला छीनने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि 9 जून को विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह के बंगले को मुख्य सचिव के नाम से आवंटित किए जाने की अधिसूचना जारी हो गई। बता दें आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजे जाने के निर्णय के बाद से ही चर्चा थी कि केंद्रीय इस्पात मंत्री को 7th Street Road का बंगला खाली करना पड़ेगा। आखिरकार मंत्रियों के आवासीय इलाके में अब आरपी सिंह का ठिकाना नहीं रह गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।